नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास हमारी बहुत बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी नई चीज़ के बारे में जो पूरी दुनिया के लिए एकदम नई है, और वो है दुनिया का आठवां महाद्वीप। दुनिया का आठवां महाद्वीप हाल ही में, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने नक्शा जारी किया है। क्या है ये महाद्वीप, क्या इसका नेम है, पूरी की पूरी एक एक डिटेल हम इसके बारे में जानेंगे और कहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात देखिए, इस महाद्वीप का आठवें महाद्वीप को नाम क्या दिया है वैज्ञानिकों ने, इसे नाम दिया गया है जीलैंडिया। जीलैंडिया जो महाद्वीप है, सबसे पहली बात देखिए ये कहाँ पर खोजा गया है, तो मैं थोड़ा सा एक यहाँ छोटा सा मैप बना देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर एक कंट्री है एंड दैट इज ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बगल में यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो द्वीप हैं न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ पर दो द्वीप हैं न्यूजीलैंड, इन दोनों द्वीपों को मिलकर क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड कहते हैं। इन दोनों द्वीपों के दक्षिणी हिस्से में यहाँ पर इस तरीके से एक नया महाद्वीप खोजा गया है और उस महाद्वीप को नाम दिया गया है जीलैंडिया। उस महाद्वीप को नाम दिया है, देखिए ये जो महाद्वीप है ये एकदम से नया नहीं है। 1995 में सबसे पहले स्टार्टिंग से बिल्कुल बात करेंगे, 1995 में एक वैज्ञानिक थे ब्रूस लुएंडिक, 1995 में अमेरिका के थे ये, यूएसए के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि यहाँ पर एक महाद्वीप हो सकता है न्यूजीलैंड के दक्षिण में, और इन्होंने इसे नाम दिया था जीलैंडिया। जीलैंडिया का देखिए 94% हिस्सा, 94% हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है। इसका 94% हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है, और केवल 6% हिस्सा बाहर हमें जमीन के रूप में दिखाई देता है, बाहर हमें भूमि के तौर पर दिखाई देता है, और वो न्यूजीलैंड के तौर पर दिखाई देता है। और यहाँ पर उत्तर में एक कंट्री और है, एक कंट्री, उसका नाम है न्यू मैसिडोनिया। ठीक है, तो ये आठवां महाद्वीप है जो कि मिला है। हो सकता है भविष्य में आप 7 नहीं 8 महाद्वीप पढ़ा करेंगे। क्या क्या इसकी खास बातें हैं हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, इसका 94% हिस्सा डूबा हुआ है और 6% हिस्सा जो है वो स्थल के तौर पर, जमीन के तौर पर है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल से लगभग आधा है और भारत के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। इसका क्षेत्रफल कितना है ये देख लेते हैं, इसका एरिया कितना है। इसका एरिया आपसे एग्जाम में 100% आएगा, 50,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, 50,00,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। भारत का क्षेत्रफल आप सबको पता होगा लगभग कितना है, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। तो भारत के क्षेत्रफल से भी लगभग 17,00,000 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा क्षेत्रफल है इस नए खोजे गए महाद्वीप का। ठीक है, इसे सबसे पहले 1995 में इसके बारे में बताया था ब्रूस लुएंडिक ने। 2017 में वैज्ञानिकों ने इस महाद्वीप की पुष्टि कर दी थी कि जी हाँ, न्यूजीलैंड के नीचे एक नया महाद्वीप बिल्कुल हो सकता है। और 2020 में क्या हुआ है देखिए, 2020 में इसका नया नक्शा जारी किया गया है। इसका नक्शा किसने जारी किया है, तो न्यूजीलैंड की एक संस्था है जी एन एस साइंस ने अपनी रिपोर्ट में एक नक्शा जारी किया है, और इस नक्शे में इन्होंने इस पूरे के पूरे महाद्वीप की, जिस तरीके से मैंने मैप में बनाया हुआ है, इस महाद्वीप की पुष्टि की है। इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा ज़मीन के भीतर डूबा हुआ है, और केवल ये न्यूजीलैंड द्वीप जो मैंने थोड़े बड़े बना दिए हैं, थोड़े से छोटे हैं यहाँ इस तरीके से, ये दो द्वीप हैं इस तरीके से, और ये दो द्वीप जो है ये न्यूजीलैंड है, बीच में कुक जल संधि है, उत्तरी द्वीप दक्षिणी द्वीप, और ये पूरा जो महाद्वीप, इसे नाम दिया गया है, इसे जीलैंडिया नाम दिया गया है। मैंने आपको ये बता दिया है, यहाँ जीएनएस साइंस ने इसके बारे में जारी करी थी रिपोर्ट। इस महाद्वीप की कुछ और क्या खास बातें हैं देखिए, ये महाद्वीप आज से लगभग 7.8 करोड़ वर्ष पहले यह महाद्वीप गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ था। और किससे टूटा है, गोंडवाना लैंड से। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है हम ये भी जान लेते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग ये 3.2 करोड़ वर्ष पहले
लगभग 2.5 करोड़ वर्ष कह सकते हो, इतने वर्ष पहले ये पानी में डूब चुका था। ये लगभग कितने वर्ष पहले डूबा है, तो लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि 2.3 करोड़ वर्ष पहले ये महाद्वीप जो है ये पानी में डूब चुका है। समझ में आ रहा है? तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए इस महाद्वीप के बारे में इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा हम ये जानेंगे। भारत के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर इसके इफेक्ट्स बहुत सारे पड़ने वाले हैं जब हम इसके बारे में पूरी तरीके से जानेंगे। तो ये महाद्वीप लगभग 7.8 करोड़ वर्ष पहले टूटा था गोंडवानालैंड से, और लगभग 2.3 करोड़ वर्ष पहले ये पानी में डूब गया। गोंडवानालैंड क्या है, तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था इस तरीके से दक्षिण की तरफ, और ये महाद्वीप था पेंजिया। ये महाद्वीप था पेंजिया, और इस महाद्वीप के चारों ओर एक महासागर था, उसे नाम दिया गया था पेंथालासा। पेंथालासा, ठीक है। और ये महाद्वीप दो भागों में टूटा था, ऊपर वाले महाद्वीप को कहा गया अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को कहा गया था गोंडवाना लैंड। तो उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये जीलैंडिया महाद्वीप। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस महाद्वीप के बारे में, इसका इम्पोर्टेंस देखिए क्या है। यहाँ पर नए पेट्रोलियम के तेल के कुएं जो हैं उनकी खोज होने की आशंका है, और यहाँ पर जो ये न्यूजीलैंड वगैरह हैं और यहाँ के आसपास के द्वीप हैं उनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर भी पेट्रोलियम वगैरह की खोजें हो जाए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी। और ये भी हो सकता है कि आगे भविष्य में आप किताबों में 7 की जगह 8 महाद्वीप पढ़ेंगे, जो हम सबसे छोटा महाद्वीप पढ़ते थे ऑस्ट्रेलिया जिसे ओसिनिया भी कहते हैं, हो सकता है अब हम पढ़ा करेंगे जीलैंडिया जो कि 8वां महाद्वीप होगा विश्व का, ये पूरी तरह से संभव है। तो ये रोचक जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए एक बार। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।